ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिम के प्रमुख एवं हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी का एक वीडियो सामने आया है। वायरल वीडियो में असदुद्दीन ओवैसी कहते हैं कि वो ज्ञानवापी मस्जिद मुद्दे पर बोलना जारी रखेंगे, क्योंकि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से नहीं डरते हैं। दरअसल गुजरात के वडगाम में एक रैली को संबोधित करते हुए ओवैसी ने कहा, ज्ञानवापी मस्जिद के मुद्दे पर बोलने पर लोग उनसे सवाल करते हैं, मैं बोलूँगा क्योंकि मैंने अपना ज़मीर नहीं बेचा है और न ही कभी ऐसा करूँगा। मैं बोलता हूँ क्योंकि मैं केवल अल्लाह से डरता हूँ, किसी मोदी या योगी से नहीं। मैं इसलिए बोलता हूँ क्योंकि बाबा साहेब आम्बेडकर द्वारा बनाया गया संविधान मुझे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देता है। आइए सुनते हैं ओवैसी ने क्या कहा। अरे याद रखो, मैं बोलूंगा, मैं इसलिए बोलता हूं, क्योंकि मैं जिंदा हूं, मुर्दा नहीं हूं। मैं इसलिए बोलता हूं कि मेरे जमीर को मैंने अभी बेचा नहीं है, ना कभी बेचूंगा इंशाअल्लाह ताला। मैं इसलिए बोलता हूं कि मैं सिर्फ अल्लाह से डरता हूं, किसी मोदी से योगी से नहीं डरता हूं। मैं इसलिए बोलता हूं क्योंकि भारत का संविधान जिसको बाबा साहिब अंबेडकर ने बनाया, मुझे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की इजाजत है और मैं खुलकर अपनी बात को रखना चाहता हूं। हां, तुमको अगर मेरी बात पसंद नहीं आती है तो अपने कान में उंगलियां रख लो, मगर तुम मेरी जबान को बंद नहीं कर सकोगे। गौरतलब है कि ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में सर्वे का काम सोमवार को पूरा हो गया। सर्वे के बाद हिंदू पक्ष दावा कर रहा है कि मस्जिद के वजूखाने में शिवलिंग मिला है, वहीं मुस्लिम पक्ष इन दावों को खारिज कर रहा है। सर्वे के बाद जो दावे किए जा रहे हैं उनसे एक बार फिर देश के मंदिर मस्जिद विवाद बढ़ने की आशंका है। इस मामले को लेकर सियासी बयानबाजी भी शुरू हो गई है। असदुद्दीन ओवैसी ने इस पूरे घटनाक्रम को लेकर आरोप लगाया कि जिस तरह अयोध्या की बाबरी मस्जिद को छीना गया, उसी तरह ज्ञानवापी मस्जिद को छीनने की साजिश है। शिवलिंग मिलने के हिंदू पक्ष के दावे के बीच ओवैसी ने कहा कि अब दोबारा कोई मस्जिद नहीं खोएंगे और ज्ञानवापी कयामत तक मस्जिद ही रहेगी। ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर असदुद्दीन ओवैसी लगातार खुलकर बोल रहे हैं। वाराणसी की एक स्थानीय अदालत के आदेश पर ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के अंदर किए गए सर्वे में सोमवार को वजूखाने को सील करके वहां किसी के भी जाने पर पाबंदी लगा दी है। वीडियो डेस्क, amarujala.com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।